मॉर्निंग टू ऑल। आई एम आरती दुबे संकीम कॉन्वेंट स्कूल बक्सर से। आज मैं आप लोगों को हिंदी कक्षा नवी का क्षितिज बुक से फर्स्ट चैप्टर का आठवां पार्ट जो है पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे जो है दोनों बैल उस लड़की के प्रेम के प्रसाद को पा करके और खुश हो जाते हैं, उनकी आत्मा को तृप्ति मिल जाती है। उस दो रोटी से उनके पेट तो क्या भरेंगे और उनके आत्मा को संतुष्टि मिल जाती। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि यदि मार पीट करके कितना भी खिला दिया जाए किसी का पेट नहीं भरता है, लेकिन प्रेम से दिया हुआ दो रोटी ही काफ़ी हो जाता है पेट भरने के लिए। उसी तरह हीरा और मोती भी उस बच्चे के प्रेम को पा करके वहाँ संतुष्ट हो जाते थे, मगर दोनों के आंखों में विद्रोह थे। विद्रोह था गया के उस व्यवहार से। एक दिन मूक भाषा में मोती ने हीरा से कहा, अब तो सहा नहीं जाता। हीरा ने कहा, तो क्या चाहते हो? मोती ने कहा, यदि तुम कहो तो दो चार को मार गिराऊं, दो चार को सिंह पर उठाकर पटक दूं, या यदि तुम कहो तो मैं इस घर का मालिक जो है उसे ही सिंह पर उठाकर फेंक दूं। तो हीरा ने कहा कि ना बाबा ना, ऐसा मत करना, क्योंकि वो लड़की अनाथ हो जाएगी। वो लड़की जो है इस घर के मालिक की ही बेटी है, यदि उसे मार डालेगा तो वो लड़की अनाथ हो जाएगी, क्या होगा उस बेचारी का? तो मोती ने कहा, कहो तो मालकिन को ही मार डालूं, क्योंकि वही तो लड़की को मारती पीटती है, प्रताड़ित करती है। फिर कहो तो मैं उस मालकिन को हूँ मार डालूं। लेकिन हीरा ने मोती को समझाया कि नहीं, औरत जात पर सिंह नहीं चलाना चाहिए, औरत जात पर सिंह चलाना मना है, क्या तुम ये भूल जाते हो? तो इसके इन बैलों के विचार के द्वारा प्रेमचंद जी ये कहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि यदि बैल होकर के पशु होकर के वो ये जानते हैं कि औरत जात पर सिंह चलाना मना है, औरत जात पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो हमको हम तो समझदार हैं, हम तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते हीरा, कहो तो पगहा तुड़ा करके रस्सी तुड़ा करके ही भाग जाते हैं। तो हीरा कहता है कि चलो ये ठीक है, तो इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, रस्सी को थोड़ा चबा लेते हैं और जब रस्सी कमजोर हो जाएगी तो दोनों लोग जोर लगा करके रस्सी को तोड़ देंगे। रात में जब बालिका रोटी खिलाने आई और रोटी खिला के चली गई, तो दोनों बैल बैठ करके और रस्सी को चबाने लगे। रस्सी चूंकि मजबूत थी और मोटी थी, इसलिए बैलों के मुंह में नहीं आ रही थी, बेचारे बार बार जोर लगा करके रह जाते। सहसा अचानक उस घर का दरवाजा खुला और लड़की बाहर आई। लड़की निकली और दोनों लड़की के हाथ को चाटने लगे और वो उन बैलों उस लड़की ने अपने हाथों से उन दोनों बैलों के सिर को सहलाने लगी और बच्ची ने दोनों बैलों के रस्सी को खोल दिया, यानी दोनों बैलों के गराव को खोल दिया जो फूदेदार रस्सी होती है, और बोली, जाओ जल्दी भाग जाओ और अपनी जान बचा लो, इस घर में कसाई बसते हैं और आज घरों में ये प्लानिंग की जा रही है कि कल बैलों के नाक में नाक डाल दी जाएगी, इसलिए तुम भाग जाओ और अपनी जान बचा लो। मोती ने कहा, चलो भाग चले। लेकिन हीरा ने कहा कि नहीं बाबा नहीं, यदि हम भाग गए तो सुबह इस लड़की पर मुसीबत आ जाएगी, सारे लोग इसी पर शक करेंगे कि इसी लड़की ने बैलों को भगाया है, तो फिर क्या होगा? और उसी तरह दोनों बैल वहां खड़े रहे। लड़की ने उन दोनों बैलों की भाषा को समझ लिया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, आवाज लगा करके चिल्लाने लगी कि दादा दौड़ो, दादाजी जल्दी दौड़ो, फूफा जी के फूफा वाले दोनों बैल भाग रहे हैं, भाग गए,
जल्दी आ जाओ। और यह आवाज सुनकर के गया भागते हुए निकला और बैलों को पकड़ने दौड़ा, तो दोनों बैल आगे आगे भाग चले। गया ने पीछा किया तो दोनों बैल और जोर लगा करके भाग चले, बहुत आगे निकल गए। और गया फिर उन लोगों के साथ, गांव के दो चार लोगों के साथ कुछ दूर तक बैलों का पीछा किया और फिर लौट गया। अपने घर जब गया, लौट गया और बैल इतने बेतहाशा भागे कि उन्हें रास्ता भी नहीं सूझा और गलत और अनजान रास्ते पर चले गए। जिस रास्ते से पहली बार वो भागे थे उसका कोई अता पता ही नहीं था। वो सारा गांव, सारा रास्ता अंधेरे में अनजान से दिखाई दे रहा था। इस पर हीरा ने कहा, मोती तुम ही तो बेतहाशा भागे, अब तो रास्ते भी समझ में नहीं आ रहे हैं, क्या करें, कहां जाएं। इस तरह से दोनों बैल जो है आगे भागते गए और अनजान रास्ते में बहुत दूर तक निकल पड़े। और अचानक बैल जो है उनको भूख लग जाती है। दोनों बैल चूंकि हीरा के गया के घर कुछ खाए पिए नहीं थे, इसलिए दोनों भूखे थे, उन्हें बहुत जोरों की भूख लग रही थी, इसलिए वो खाना चाहते थे। नमस्कार।